हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अपना एस के चौधरी, पीसी स्टडी पॉइंट, ये जो आपका चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर, मेरे द्वारा यानी एस के चौधरी के द्वारा। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज जो पीछे की साइड में ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो ऐसा क्या आज ब्लैक बोर्ड कहाँ चला गया? दरअसल ब्लैक बोर्ड कहीं नहीं गया है, हम क्लासरूम से आज बाहर आया हूँ। मैं क्लासरूम से बाहर कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स लेकर के, एक्स्ट्रा रोचक तथ्य आपके लिए लेकर के। जी हाँ, जैसा कि पहले भी एक हमने वीडियो आपके लिए बनाया था, और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एप्पल के सीड्स होते हैं, इनको कभी भी अपने को चबा करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें साइनाइड पॉइजन होता है। और साइनाइड पॉइजन होता है तो इसलिए इसको कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी कि एप्पल का अगर बीज आपने खा भी लिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपके कुछ कमेंट्स आए थे कि सर साइनाइड पॉइजन के बारे में भी कुछ बताइए। देखो, साइनाइड के बारे में वैसे तो अपन जानते हैं कि साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जिसका आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया है। वास्तव में ऐसा नहीं है, साइनाइड का भी स्वाद है, सबको अपने को तो नहीं पता है, लेकिन साइनाइड का भी एक निश्चित स्वाद होता है और वो पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और साइनाइड के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि साइनाइड को जैसे आपने मुंह में रखा, मुंह में रखते ही जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है। आतंकवादी वगैरह अपन देखते हैं जो जैसे ही अपने डिफेंस कर्मियों के द्वारा पकड़े जाते हैं तो वो तुरंत साइनाइड खा करके सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो साइनाइड भी काफ़ी अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ये नहीं है कि साइनाइड जैसे आपने मुंह में रखा, रखते ही आपकी डेथ हो गई, आप उसका स्वाद भी नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है। साइनाइड काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के साइनाइड्स होते हैं। और ये भी नहीं है कि सारे साइनाइड है वो अपने लिए घातक ही होते हैं, विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो कौन कौन से साइनाइड हैं जिनसे अपने को बच के रहना चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए, और कुछ साइनाइड ऐसे भी हैं जो बिल्कुल से भी जहरीले नहीं होते हैं, जिनका यूज अपन कर सकते हैं। तो आज की जो अपना वीडियो बनने वाला है वो साइनाइड पॉइजन के बारे में मैं आपको कुछ और रोचक जानकारियाँ, साइनाइड का स्वाद, साइनाइड किस प्रकार का होता है, कितने टाइप्स के साइनाइड होते हैं, अगर आपको चाहिए तो मार्केट में कहाँ ये मिल सकता है ये नहीं बताऊँगा मैं क्योंकि आपको साइनाइड का कोई मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपको केवल आपकी जो जानकारी है, आपका बेसिक नॉलेज है वो बढ़ाने के उद्देश्य से ये वीडियो केवल बनाया जा रहा है। इसका आपको कहीं पर भी कोई भी मिसयूज या गलत यूज बिल्कुल से भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जो साइनाइड है वो कितना हानिकारक है अपने लिए, कितना ज़्यादा जहरीला होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको साइनाइड पॉइजन के बारे में जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो कैसे लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो भी नया स्टूडेंट है उससे रिक्वेस्ट है, मेरी नए जो अपने फ्रेंड्स हैं, नया मेंबर अगर कोई आया है तो इससे रिक्वेस्ट है कि वो भी पीसी स्टडी पॉइंट की जो फैमिली है उसके साथ में जुड़ जाइए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिसके साथ में आप पीसी स्टडी पॉइंट जो फैमिली है इसके सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइनाइड के टाइप्स, कि जो साइनाइड है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे वास्तव में देखिए, साइनाइड किसी कंपाउंड का या किसी एक यौगिक का नाम नहीं है, ये कंप्लीट एक फैमिली होती है, कंप्लीट एक ग्रुप होता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, वो सभी यौगिकों को अपन साइनाइड ही बोलते हैं। यानी ये कोई एक यौगिक नहीं है, बल्कि बहुत सारे कंपाउंड्स की, बहुत सारे यौगिकों की एक फैमिली है, एक ग्रुप है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड क्लोरोसाइनाइड, और इसके अलावा एल्काइल ग्रुप के भी बहुत सारे साइनाइड होते हैं, जो कि आप 12th क्लास नीट JEE की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको सबने, उन्होंने पढ़ा होगा कि एल्किल साइनाइड, ये तो अपन अपने सिलेबस में होता है तो अपन पढ़ते हैं। इसमें से सोडियम साइनाइड और जो पोटेशियम साइनाइड है ये तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय फॉर्म में पाए जाते हैं। HCN और जो CLCN है ये गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये जो होते हैं ये गैसीय फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। और एल्किल साइनाइड, इसके फिर और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल पड़ेंगे। अब इसके तो आप जैसे मेथिल इथाइल अलग अलग बहुत सारे ग्रुप जोड़ करके बहुत सारे इसके कंपाउंड बना सकते हो,
और वो अलग अलग स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैसीय स्टेट में भी होते हैं, सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो ये काफी सारे प्रकार के साइनाइड्स हैं और ये सारे इनकी सबके अलग अलग फिजिकल स्टेट है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, सभी अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं और ये सभी पॉइजन नहीं होते हैं, सभी हानिकारक नहीं होते हैं। सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, HCN, CLCN, ये जो चार साइनाइड के फॉर्म है ये ज्यादा हानिकारक होते हैं, ये ज्यादा पॉइजनस होते हैं। जो एल्काइल साइनाइड होते हैं ये इतने हानिकारक, बल्कि इतने क्या, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते। इनका तो जो यूजेज है वो मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। एंड अब आप समझ गए होंगे, अगर मेडिसिन बनाने में अगर इनका यूज किया जाता है इसका मतलब इनमें पॉइजन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, तो जो सारे साइनाइड्स होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं सभी प्रकार के साइनाइड्स। मोस्टली ये चार साइनाइड है और इनमें भी सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो होता है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड सबसे ज्यादा डेंजर होता है, सबसे ज्यादा जहरीला, सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है। एल्किल साइनाइड ये बिल्कुल भी इनमें पॉइजन नहीं होता है। स्वाद, तो इनमें से कोई भी स्वाद लेस नहीं है, स्वाद सब में होता है। ये बहुत सारे फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे 100 से ज्यादा पादपों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें साइनाइड पाए जाते हैं और उनमें से एक बादाम भी होता है। सेब के बीज के बारे में अपन ने पढ़ा है, बादाम में भी साइनाइड होता है और साइनाइड की बादाम में जितनी ज्यादा मात्रा होती है तो आप देखते हैं कि कई बार जो बादाम होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, खाने के लायक नहीं रहता, वो कड़वा हो जाता है और वो साइनाइड की ज्यादा क्वांटिटी के कारण होता है। अगर बादाम में साइनाइड ज्यादा होता है तो उसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल से हार्ड, कसेला हो जाता है, कड़वा हो जाता है, यानी साइनाइड का स्वाद के कारण होता है। तो साइनाइड का स्वाद अब आपको सबको पता चल गया होगा कि साइनाइड का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, कसेला होता है, बहुत ही तीखा होता है, जीभ को जला देने वाला इसका स्वाद होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये कौन कौन से जो पॉइजन है, कितनी क्वांटिटी में अगर अपने शरीर में चले जाए तो अपने लिए हानिकारक होते हैं, कहां तक कि इनकी जो क्वांटिटी है उसको अपना शरीर है वो सहन कर सकता है और कितना टाइम लगता है व्यक्ति की डेथ होने में, ये सारी चीजें और समझते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ साइनाइड के बारे में कि अगर साइनाइड का यूज किया जाए तो वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में अपने लिए हानिकारक या विषैला होता है। तो सबसे पहले बात तो देखिए, वैसे तो सबसे ज्यादा जो सोडियम साइनाइड होता है ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन अगर साइनाइड को गैसीय फॉर्म में यूज किया जाए तो ये ज्यादा विषैला होता है। अब गैसीय फॉर्म में जैसे हाइड्रोजन साइनाइड को अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा विषैला हो, वो वर्क ज्यादा फास्टली करता है अपनी बॉडी में पॉइजन फैलता ज्यादा फास्टली है। सॉलिड स्टेट में अगर अपन, क्योंकि साइनाइड को जैसे सॉलिड स्टेट में आप यूज करते हैं तो उसको अपन चबा करके यूज करेंगे, गैसीय स्टेट में अगर यूज करते हैं तो वो अपन रेस्पायरेशन यानी श्वसन के द्वारा आप उसको यूज में लेंगे और श्वसन के द्वारा अगर यूज में लेते हैं तो वो जो साइनाइड होता है वो ज्यादा रैपिडली, ज्यादा फास्टली अपने शरीर में फैलता है, क्योंकि साइनाइड जो है वो अपने बॉडी में फैलने के बाद में उसका जो वर्क होता है वो यही होता है कि अपने जो बॉडी में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जिसके कारण सेल्स जीवित रहती हैं, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करता है। तो अगर रेस्पायरेशन यानी श्वसन के द्वारा अगर ये अपने बॉडी में जाएगा तो ये ज़्यादा जल्दी आपकी सेल्स तक पहुँच करके सेल्स को ब्लॉक करेगा जिससे व्यक्ति की जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है। लेकिन गैसीय फॉर्म में अगर यूज में लेते हैं तो अपने को ज़्यादा यूज लेना पड़ेगा। बाकी सोडियम जो साइनाइड है ये ज़्यादा, इसमें जहर ज़्यादा होता है, ज़्यादा जहरीला होता है, तो इसकी कम क्वांटिटी ही अपने लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। दूसरी बात, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लें तो ये पॉइजनस, ज़्यादा जहरीला होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसकी 1 मिलीग्राम यानी 1 mg अगर इसकी क्वांटिटी आपने काम में ली है तो ये अपने लिए हानिकारक हो सकती है। 1 mg इसकी क्वांटिटी हानिकारक होती है। बाकी ये कुछ डिपेंड करता है जो लेने वाला है उसकी बॉडी पर भी, क्योंकि ये अपन जानते हैं कि अलग अलग लोगों की जो बॉडी है वो अलग अलग टाइप की होती है। कुछ लोगों की बॉडी इस टाइप की होती है जो कुछ हद तक जो पॉइजन होता है, जहर होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो पॉइजन को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप 1 मिलीग्राम से कम क्वांटिटी इसकी लेते हैं तो वो आपको, हालांकि हो सकता है उसे डेथ तो न हो, क्योंकि 1 मिलीग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी इसकी हानिकारक होती है, तो 1 मिलीग्राम से अगर कम क्वांटिटी लेते हैं तो वो इतनी ज़्यादा जहरीली नहीं होती है। बट उस कंडीशन में अपने को जैसे चक्कर आना, उल्टी होना या सर दर्द होना, जी मचलना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और थोड़ी सी अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो तो उस कंडीशन में ये सीधा अपने ब्रेन और हार्ट पर अटैक करता है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है या फिर अपना जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर सकता है, उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो कोमा में जा सकता है।
और अगर 1 मिलीग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति की डेथ हो जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वांटिटी अपना बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, चाहे अपनी बॉडी कितनी भी ज़्यादा सूटेबल क्यों ना हो, लेकिन 1 मिलीग्राम से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति की बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। सोडियम साइनाइड की 1 मिलीग्राम मात्रा व्यक्ति की डेथ कर सकती है। तो जो आतंकवादी वगैरह मोस्टली जो पकड़े जाते हैं उनके गले में अपन देखते हैं, सुनते हैं कई बार कि साइनाइड का कैप्सूल होता है, तो उसमें लगभग 2 से 3 मिलीग्राम की मात्रा एक कैप्सूल में होती है, यानी वो खाने के बाद में व्यक्ति का बचना जो है वो लगभग असंभव सा होता है। अगर 2-3 मिलीग्राम साइनाइड किसी व्यक्ति ने चबा लिया है तो उसका बचना फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो आतंकवादी होते हैं उनको जो अपने सुरक्षाकर्मी होते हैं वो पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है तो उनसे कुछ जानकारी उगलवा नहीं सकते। तो ये थी साइनाइड के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ, रोचक तथ्य, और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 दिन से मैं इसके लिए डिटेल्स जुटा रहा था, और 4-5 दिन में जितनी भी डिटेल्स मेरे पास में जुटी है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। एंड आई होप जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यारो, इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत आपके लिए की है फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा 4-5 दिन तक, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करके और अपने जितने भी फ्रेंड्स रिश्तेदार हैं सबके पास में इसको पहुँचाइए, और साइनाइड की जो जानकारी है वो सबको दीजिए। जो अफवाह में लोग जी रहे हैं कि साइनाइड का पॉइजन का स्वाद भी आज तक किसी को नहीं पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइनाइड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अपने को इससे बच करके रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको लास्ट में जाते जाते और बताऊँगा, उससे पहले आप लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए। साइनाइड जो पॉइजन है इसका इनडायरेक्ट रूप से कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सपोज किसी जीव जंतु ने साइनाइड पॉइजन खा लिया है और उसकी डेथ हो गई है, जैसे मान लीजिए मछली है और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति उसको खाता है तो उस व्यक्ति पर उस मरे हुए जीव में जो साइनाइड है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी साइनाइड पॉइजन का जो इफेक्ट है वो केवल एक ही जीव पर होता है, उसके बाद में वो आगे ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, आगे के जो दूसरा जीव अगर उसको यूज में लेता है तो वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के जो रोचक तथ्य था उसमें आपके लिए साइनाइड की मैंने आई होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले अपना जो पीसी स्टडी पॉइंट चैनल है इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भरोसे ही हम यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के वीडियोज़ लेके आते हैं, और अब तक आपका जैसा साथ हमें मिलता है आई होप आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा, बल्कि इससे ज़्यादा और बेटर आप हमारा साथ देंगे। तो आज के वीडियो में बस इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे आपके साथ में जल्दी ही एक और रोचक तथ्य, एक और रोचक वीडियो के साथ में। बाकी अपनी लाइव क्लासेज चल ही रही हैं, वो सभी स्टूडेंट्स जो भी 11th 12th नीट JEE के स्टूडेंट्स हैं वो अपने लाइव क्लासेज पीसी स्टडी पॉइंट पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और इस समय जो घर बैठे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्री टाइम है उसका यूज अपनी स्टडी में ले सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट की अपने चैनल पर लाइव क्लासेज अभी प्रेजेंट में चालू है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।